नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। संघर्ष की राशि है, अक्सर परिणाम सकारात्मक नहीं मिलते। संघर्ष है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन अभी आपके लिए बेहतर समय आरंभ हो रहा है। सूर्य और मंगल की युति आपके लगन पे इस बात की सूचना दे रही है कि कुहासा छटने वाला है, परेशानियां हटने वाली हैं, प्रताड़ना कम हो रही है, मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन का ड्यू है तो प्रमोशन मिलेगा, नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी मिलेगी, पद में वृद्धि होने का योग है तो पद में वृद्धि होगी। बीच में नौकरी चली गई थी तो इस समय नौकरी मिलेगी। इतने तरह के योग बन रहे हैं। आप देखें तो कुंडली में कुछ गोचर में डबल राजयोग टाइप बन रहा है। कौन सा राजयोग? डबल राजयोग टाइप बन रहा है, गोचर में बन रहा है। पॉइंट हरदम याद रखिएगा, गोचर में बन रहा है। गोचर मतलब आकाश में बन रहा है, और आकाश में जो बन रहा है वो धरती पे मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक, 60 करोड़ लोगों की लिए बनेगा। अब 60 करोड़ लोगों में आपका नंबर भाई लगे कि ना लगे, ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इतने लोगों के लिए राशि में बन रहा है तो आपको क्या लाभ मिलेगा। सूर्य नारायण आपके कर्मा के स्वामी होके लगन में गोचर कर रहे हैं, कर्म की वजह से मान सम्मान की वृद्धि, सरकार से आपको सहयोग मिलेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दूसरे के सहयोग करने से कभी कुछ नहीं होता, खुद का भुजबल, खुद का बाहुबल। भगवान कृष्ण भी महाभारत के रण में खड़े होते हैं तो बोलते हैं, अर्जुन तेरा युद्ध है, तुझे ही लड़ना होगा, मैं चाहूं तो क्षण भर में सब कुछ ठीक कर सकता हूं, लेकिन नहीं, युद्ध तेरा है, कर्म तेरा है मेरे भाई, इसलिए संघर्ष तो तुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए गांडी उठा। तो यह संघर्ष आपका है, पूर्व जन्म के जो पुण्य है उसके वजह संघर्ष, लेकिन यहाँ पे गोचर में एक दशा बन रही है ब्रह्मांड में, सूर्य मंगल की युति आपके लगन पे, तो 2023 का श्रेष्ठतम अवसर आपके सामने उपस्थित हो रहा है, पूरा इंड तक, ठीक है ना, पूरा इंड तक। मंगल महाराज आपके लगन में है तो पहले बात केंद्र का स्वामी केंद्र में है, लग्नेश स्वतः लगन में है, दो तरह के राजयोग क्रिएट हो रहे हैं। बुध महाराज आपके कुंडली में इस समय वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, लाभ का स्वामी वृश्चिक राशि में, लाभ का स्वामी आपके लगन में, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, और आप स्वतः लगन में ही हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हर तरह से आपको यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ ना मिले उसका कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, मौसम वर्षा का हो रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र बारिश हो रही है, आप अपने घर में बैठे हैं दरवाजा बंद करके, बारिश हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा खिड़की तो खोलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा, सामने आए अवसरों को पहचानना होगा। मंगल महाराज आपके लगन में है, मंगल महल पहले चलेंगे विशाखा में, फिर चलेंगे अनुराधा में, फिर चलेंगे ज्येष्ठा में। अनुराधा मतलब थर्ड फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को साथ लेकर काम करिए, डेफिनेटली काम मिलेगा। ज्येष्ठा मतलब व्यापारी वर्ग या मित्र वर्गों के साथ काम करिए, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। विशाखा मतलब गुरु गुरुतुल्य लोगों के साथ काम करिए, लाभ मिलेगा। मंगल को मजबूत करके रखिए, मंगल को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, या हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के जो अनुचर है ना बानरों, उन बानर की उनकी सेवा करिए, उनको आटे में गुड़ लगा के खिलाइए, उनको चना खिलाइए, केला खिलाइए, बढ़िया कभी खिला के देखिए, इनको जब आप खिलाते हैं ना अंदर से बहुत सकारात्मक एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। आप इनके बीच में बैठ के खिलाइए, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी मिलेगी आपको, लगेगा आपको। लोगों को आप खिलाते हैं ना उतना अच्छा आपको महसूस नहीं होगा जितना अच्छा महसूस होगा इनको आप खिलाते हैं, तो इनके बीच में बैठ खिलाते हैं, खिला के देखिए अच्छा लगेगा। सूर्य नारायण को मजबूती देने के लिए प्रातःकाल सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, और थोड़ा सा दीपक, कार्तिक माह चल रहा है, दीपदान का महत्व है,
आपके पास यमुना जी कहीं है तो यत्र तत्र सर्वत्र यमुना जी में एक दीपक दान करिए। किसी तरह की दुर्घटना, अकाल मृत्यु को खत्म कर देने वाली चीज है भाई, तो अनवांटेड तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बुध महाराज आपके लगन में चल रहे हैं, आप घर में गए हैं तो बहन को थोड़ा सा गिफ्ट दे के आइए, गाय को भैंस को थोड़ा हरा चारा दान करके आइए। चीजें आपके फेवर में, आपके अनुकूल आएंगी ही आएंगी, ना आने का कोई रीजन नहीं है। तो या 17 नवंबर से लेके पूरा वर्ष समाप्त तक अब बेहतर परिणाम दे रहा है, और सस नामक राजयोग जो क्रिएट होने वाला है उसकी ये पूर्व की तैयारी है। तो अपने आप को जागृत करिए, कमर कस लीजिए, ठीक, उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, और तब तक हम कोशिश करते रहेंगे जब तक सफलता ना मिल जाए। देर से ही सही सफलता मिलेगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में सफर करते रहिए। कारवां यूं ही निकल जाएगा, रास्ता कठिन है तो क्या हुआ, सफर पे चलते रहेंगे, मंजिल अवश्य मिलेगी। राधे।